वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि नए नोटिफिकेशंस और वीडियोस आप सबसे पहले देख सकें। ओके गाइस, तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम सी प्रोग्रामिंग की हेल्प से ऐसा एक पिरामिड का डिज़ाइन अपने आउटपुट्स की स्क्रीन के ऊपर बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टार्स। तो आज की ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाली है। अगर आपने हमारी पुरानी वीडियो नहीं देखी जिसमें हमने हाफ पिरामिड का जो पैटर्न था उसे प्रिंट करवाया था, तो ऊपर आई बटन पे मैंने उसकी लिंक दे रखी है, आप वहाँ पे जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो देखी है तो उस वीडियो का ही कंसेप्ट हम इसमें यूज़ करने वाले हैं। वो अगर आप उस वीडियो को देखकर इस वीडियो को देखेंगे ना तो आपको बहुत ही आसानी से समझ आ जाएगा कि कैसे हम डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स को प्रिंट करवा सकते हैं। मैं बहुत ही मिनिमम चेंज कर उस वाली वीडियो में आपको एक फुल पिरामिड का पैटर्न शो करवाने वाला हूँ। सबसे पहले तो मैंने इस पैटर्न को ड्रा करना, तो मैंने उस वीडियो की शुरुआत में आपको पहले ही कह दिया था कि जब भी हमारे पास कोई स्टार से शेप्स बनानी होती है, अलग अलग प्रोग्राम्स की प्रॉब्लम्स आ जाएँ जिसमें हमें अलग अलग शेप्स को प्रिंट करना होता है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, जब हमारे पास अलग अलग शेप्स को प्रिंट करवाना हो स्टार्स की, उस केस में हमें जो भी शेप दी हो उसे हमने रोज और कॉलम्स में सबसे पहले डिवाइड करना होता है। जैसे मैंने आपकी स्क्रीन के ऊपर किया है, हर स्टार को हर एक अलग बॉक्स में रखा है, मतलब अलग अलग रोज और कॉलम्स बना लिए। उसके बाद मुझे करना क्या है, रोज और कॉलम्स बनाने के बाद मुझे क्या करना है, अब रोज़ क्या होती है और कॉलम्स क्या होते हैं उसका कंसेप्ट भी क्लियर कर लेते हैं। तो वैसे तो सबको पता ही है, बट हमारे पास जो होते हैं ये वाला जो हमारे पास क्या है, लेफ्ट टू राइट जा रही हैं, इन्हें हम रोज का नाम देते हैं, ठीक है, रोज, और इसे हम अपने प्रोग्राम में आई से डोनेट करेंगे। तो हमारे पास कितनी रोज और कॉलम्स आप देख सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, लेफ्ट टू राइट हमारे पास 5 रोज है, तो मैं यहाँ पे 5 लिख लूँगा। उसी तरह अगर कॉलम्स की बात करें तो जो हमारे पास कॉलम्स बन रहे हैं उसको भी देख लेते हैं हम, तो आप देख सकते हैं जो ऊपर से नीचे की तरफ हमारे पास आ रहे हैं उसे हम क्या कह देंगे, कॉलम्स कह देंगे। तो आप देख सकते हैं जिसे हम जे से डोनेट करेंगे अपने प्रोग्राम में, तो आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, हमारे पास इसमें 9 जे यानी कि 9 कॉलम्स होंगे हमारे प्रोग्राम में। तो सबसे पहले तो हमारी पास इतनी चीज़ क्लियर है कि हमें रोज़ के लिए भी अलग से एक लूप चलानी पड़ेगी और कॉलम्स के लिए भी अलग से एक लूप चलानी पड़ेगी, और दोनों लूप्स के अंदर हमें क्या प्रिंट करवाना है, सिंपली स्टार्स को प्रिंट करवाना है, ठीक है। पहले बेसिक सी बात तो ये आपको क्लियर हो ही गई होगी, हमें रोज़ के लिए एक अलग से लूप बनानी है और कॉलम के लिए एक अलग से लूप चलानी होगी। रोज़ की लूप हम 5 बार चलाएंगे क्योंकि हमें 5 रोज़ प्रिंट करवानी है, और कॉलम्स की लूप हम 9 बार चलाएंगे क्योंकि हमारे पास 9 कॉलम्स हैं, आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं नंबरिंग कर लूँ, अगर मैं नंबरिंग की बात करूँ रोज़ और कॉलम्स की, अगर मैं नंबरिंग की बात करूँ तो मेरे पास क्या है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, अगर मैं रो नंबर की बात करूँ तो ये मेरे पास रो नंबर 1 हो जाएगा, थोड़ा साइज़ छोटा कर लेते हैं इसका, ठीक है। उसके बाद ये मेरे पास हो जाएगा रो नंबर 2, उसके बाद ये मेरे पास हो जाएगा रो नंबर 3 हो जाएगा, उसके बाद ये मेरे पास रो नंबर 4 हो जाएगा, और ये मेरे पास रो नंबर 5 हो जाएगा। ये मेरे पास 4 हो गया और ये मेरे पास हो गया 5। तो इसे मैं थोड़ा सा एक्सपेंड करके लिख लेता, देखिए अब देखिए मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट रोज़ नंबर मैंने बना दिए हैं, 1, 2, 3, 4 एंड 5, मेरे पास 5 रोज़ है, तो मैंने हर इस पर्टिकुलर रो को क्या दे दिया, उसका एक नंबर दे दिया। तो उसी तरह मैं अब यहाँ पे कॉलम नंबर को लिखने जा रहा हूँ, तो थोड़ा सा ऐसे इस साइड कर लेते हैं, तो कॉलम नंबर भी मेरा 1 से शुरू होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, ये मेरे पास 9 क्या हो गई, कॉलम्स हो गई। जैसे मेरे पास 5 रोज़ हैं उसी तरह मेरे पास 9 कॉलम्स हैं। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, अपने प्रोग्रामिंग के कंपाइलर पे जाऊँगा, और वहाँ जाने के बाद यहाँ से शुरू करते हैं हमारा प्रोग्राम लिखना, कोड लिखना यहाँ से शुरू करते हैं। तो इसे थोड़ा सा साइड में कर लें, सॉरी ये फिर से दब गया, इसे मैं कर लेता हूँ यहाँ पर। और यहाँ से देखिए हैश इंक्लूड stdio.h, मतलब मैं हेडर फाइल्स को इंक्लूड करूंगा, सबसे पहले हैश इंक्लूड conio.h, void main करने के बाद मुझे रोज़ और कॉलम्स के लिए 2 वेरिएबल्स भी डिक्लेयर करने होंगे। तो मैं यहाँ पे रोज़ के लिए i को डिक्लेयर कर रहा हूँ और j के लिए कॉलम्स को डिक्लेयर कर रहा हूँ।
मतलब रोज के लिए मैं आई को डिक्लेयर करूंगा और कॉलम्स के लिए मैं जे को डिक्लेयर करूंगा। और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि हमें रोज और कॉलम्स के लिए क्या करना होगा, अलग से लूप्स चलानी होगी। अब रोज़ की अगर मैं बात करूँ तो मेरे पास पांच रोज़ हैं, तो मुझे जो रोज़ की लूप है, आई की लूप, मुझे पांच बार चलानी है। और कॉलम्स की लूप जो मेरे पास है, जिसमें मेरे पास नौ कॉलम्स हैं, उसकी लूप मुझे चलानी है नौ बार। तो मैं यहाँ पे फोर लूप चला का यूज़ करूँगा, फोर। फोर मैं यहाँ पे लिखूंगा रोज के लिए, आई इक्वल्स टू वन, वन से शुरू करूंगा। आई इज लेस देन इक्वल्स टू फाइव, कि लूप मुझे पांच बार चलानी है। और मैं आई इक्वल्स, इसलिए मैं आई इज लेस देन इक्वल्स टू फाइव कर रहा हूँ कि जब तक इसकी वैल्यू फाइव के इक्वल है, वो फाइव से कम है, तब तक तुम्हें लूप को चलाना है। और आई प्लस प्लस कर दूंगा। ये मैंने रोज के लिए कॉलम चला दी, और इसकी बॉडी के अंदर ही मैं कॉलम्स के लिए एक लूप चला दूंगा। और आई इक्वल फोर जे इक्वल्स टू वन, सॉरी, क्योंकि मैंने रोज कॉलम्स को जे से डोनेट किया। जे इज लेस देन इक्वल्स टू कितना होगा मेरे पास, नाइन। जे प्लस प्लस कर दूंगा और इसे यहाँ से शुरू करूँगा। तो इसे थोड़ा सा एक्सपेंड कर लें, तो मेनली मुझे अपने प्रोग्राम में प्रिंट क्या करवाना है, मुझे अपने प्रिंट प्रोग्राम में स्टार्स को प्रिंट करवाना है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा प्रिंट एफ स्टार और सेमी कोलन लगा दूंगा। और हर रो मतलब अलग से प्रिंट हो, इसके लिए मैं प्रिंट एफ स्लैश एन का यूज़ करूंगा रोज वाली लूप में। तो यहाँ पे मैं स्लैश एन का भी यूज़ कर लूँगा। तो इस प्रोग्राम से होगा क्या, अगर मैं इसे कंपाइल करूँगा, देखिए ये मांग रहा है नाम, तो मैं इसे टी वाई डॉट सी नाम दे देता हूँ कुछ भी। तो देखिए जीरो एरर शो कर रहा है। तो मैं इसे अब रन करूँगा, तो आप देख सकते हैं जब मैंने इसे रन किया तो मेरे पास कुछ ऐसा पैटर्न शो हो रहा है। बट मुझे जो पैटर्न चाहिए वो कुछ ऐसा पैटर्न है, और जो पैटर्न मुझे शो हो रहा है वो कुछ ऐसा पैटर्न है। मतलब हुआ क्या, हुआ जे कि जहाँ जहाँ हमें कुछ प्रिंट नहीं करवाना था वहाँ पे स्टार प्रिंट हो गया। मतलब यहाँ भी स्टार प्रिंट हो गया, यहाँ भी स्टार प्रिंट हो गया, यहाँ भी स्टार प्रिंट हो गया। तो इसका मतलब ये साफ है कि मुझे क्या करना है, अपनी स्क्रीन के ऊपर कहीं पे स्टार प्रिंट करवाना है और कहीं पे मुझे स्पेस प्रिंट करवानी है। तो यहाँ पे मैंने प्रिंट एफ स्टार लिखा है, उसके नीचे आने के बाद मैं यहाँ पे प्रिंट एफ स्पेस भी लिख दूंगा। तो प्रिंट एफ स्पेस लिखने के बाद मैं यहाँ पे सेमी कोलोन लगा दूंगा, ठीक है। अब मुझे कहीं जगह पे मुझे स्टार प्रिंट करवाना है और कई जगह पर मुझे स्पेस प्रिंट करवाना है। तो मैं अपने कंपाइलर को अब लॉजिक लगा के बताऊंगा कि कहाँ कहाँ पे मुझे मुझे स्टार प्रिंट करवाना है, कहाँ कहाँ पे मुझे स्पेस प्रिंट करवाना है। तो मैं बेसिकली करूँगा क्या, सिंपली चलूँगा मैं अपने बोर्ड पे ऊपर, और यहाँ पे देखिए अब मुझे कहाँ कहाँ पे स्टार प्रिंट करवाना है, मैं उसकी कंडीशन इफ में लिख दूंगा, ठीक है। मुझे कहाँ कहाँ पे स्टार को प्रिंट करवाना है उसकी कंडीशन मैं किस में लिख दूंगा, इफ में। मैं यहाँ पे इफ लगा दूंगा एक, अगर वो कंडीशन को चेक करेगा, अगर वो ट्रू होगी तो जहाँ जहाँ हम स्टार चाहते हैं वहाँ वहाँ पे स्टार प्रिंट होगा, एल्स वहाँ पे स्पेस प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। बस इतना सा प्रोग्राम है। अब हमें कहाँ कहाँ पे कौन सी कंडीशन दें ऐसी कि जहाँ हम चाहते हैं वहाँ पे स्टार प्रिंट हो, उस पर हमें एक लॉजिक लगाना होगा। तो उस पर लॉजिक कैसे लगेगा, देखिए मुझे स्टार कहाँ कहाँ पे प्रिंट करवाना है। तो मैं इसकी हेल्प इसकी हेल्प लूँगा, यहाँ पे देखिए आप, एक साइड में रख लूँगा रोज़ को, दूसरी साइड में रख लूंगा कॉलम्स को, ठीक है। अब मैं अगर बात करूँ रोज की, तो जब मेरे पास रो नंबर वन है, जो कि मैं आपको लेजर से शो कर रहा हूँ, ये वाली रो नंबर वन, तब मुझे किस कॉलम में स्टार को प्रिंट करवाना है, तब मुझे फिफ्थ कॉलम में स्टार को प्रिंट करवाना है। तो मैं यहाँ पे करूँगा क्या, सिंपली जब मेरे पास रो नंबर वन है तब मुझे कॉलम नंबर वन में ही स्टार को प्रिंट करवाना है। तो मैं यहाँ पे करूँगा क्या, कॉलम नंबर फाइव में स्टार को प्रिंट करवाना है, इसलिए मैं यहाँ पे फाइव लिख दूंगा। और जब मेरे पास रो नंबर हुई टू, ठीक है, थोड़ा से मिनिमाइज कर लीजिए, तब तो मुझे कॉलम नंबर फोर फाइव और सिक्स में स्टार को प्रिंट करवाना है। उसी तरह जब मेरे पास रो नंबर हुई तीन, आप देख सकते हैं डायग्राम में, तब मुझे स्टार को प्रिंट करवाना है थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन के अंदर, कॉलम के अंदर, मतलब थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन कॉलम के अंदर, ठीक है। उसी तरह जब मेरे पास रो नंबर हुई कितनी, चार, तब मुझे स्टार को प्रिंट करवाना है दो से लेकर दो तीन चार पाँच छ सात और आठ कॉलम में। उसी तरह सिंपली जब मेरे पास रो नंबर हुई पांच,
तब मुझे किस किस कॉलम में स्टार को प्रिंट करवाना है, 1 से लेकर 9 तक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। तो ये मेरे पास बेसिक सा एक वो बन रहा है, इसका प्रोग्राम का लॉजिक देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। जब मेरे पास रो नंबर 1 है, इसमें मैंने लिखा क्या है बेसिकली, इसमें कि जब मेरे पास रो नंबर 1 है जिसे मैंने आई से डोनेट किया, तब मुझे स्टार को 5 कॉलम में प्रिंट करवाना है, नंबर 5 कॉलम में प्रिंट करवाना है। जब मेरे पास रो नंबर 2 हुई, तब मुझे स्टार को 4, 5 और 6 नंबर के कॉलम में प्रिंट करवाना है। जब मेरे पास रो नंबर 3 हुई, तब मुझे स्टार को 3, 4, 5, 6 और 7 नंबर की कॉलम में प्रिंट करवाना है। उसी तरह जब मेरे पास रो नंबर 4 है, तब मुझे स्टार को 2 से लेकर 8 तक की कॉलम्स में प्रिंट करवाना है। जब मेरे पास रो नंबर हुई 5, तब मुझे स्टार को 1 से लेकर 9 तक में प्रिंट करवाना है। तो बेसिकली अगर मैं बात करूँ, इसे मैं जनरलाइज करके लिखूँ, अब मैं जे की वैल्यू को क्या करूँगा, जनरलाइज करके लिखूँगा, ठीक है। तो जे की वैल्यू को जनरलाइज करके लिखने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लिख लेता हूँ। देखिए मैं लिख सकता हूँ, पहली रो को छोड़िए, आपको क्या करना है, सबसे पहले इस रो को छोड़िए, मैं दूसरी रो की बात कर रहा हूँ, इस रो की बात, उसकी बात हम बाद में करेंगे, पहले मैं दूसरी रो से शुरू करूँगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, जब मेरे पास रो नंबर 2 है, तब मुझे 4, 5 और 6 में स्टार को प्रिंट करवाना है कॉलम में, तो उसका मतलब मैं जे लिख सकता हूँ, जे इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 सेकेंड रो के लिए, एंड जे इज, स्पेस डाल लीजिए, जे इज लेस देन इक्वल्स टू 6, कि जे की वैल्यू जो है 4 से ज़्यादा होनी चाहिए, 4 के इक्वल या 4 से ज़्यादा होनी चाहिए, तब तक लूप पर चलाना है, और 6 से कम भी होनी चाहिए। उसी तरह अगर मैं बात करूँ, जब मेरे पास आई की वैल्यू 3 है, तब मैंने क्या किया, जे इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, ठीक है, एंड जे इज लेस देन इक्वल्स टू क्या, क्योंकि 7 तक जा रहा है, 7, ठीक है। उस तरह जब मेरे पास आई की वैल्यू हुई 4, तब मैं लिखूंगा जे इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, एंड जे इज लेस देन इक्वल्स टू 8, ठीक है। उसी तरह जब मेरे पास हुई आई की वैल्यू 5, तब मैं लिखूंगा जे इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, एंड जे इज लेस देन इक्वल्स टू 9, ठीक है। मैंने इसे जनरलाइज करके लिखा। आप अपने आप कहेंगे कि यार तूने सब रोज के लिए लिख दिया, पर फर्स्ट रो के लिए नहीं लिखा, तो उसके लिए भी मैं लिखने जा रहा हूँ अब, सॉरी, फर्स्ट रो के लिए कैसे लिखूंगा मैं, तो फर्स्ट रो के लिए लिख रहा हूँ मैं अब, मेरे पास जब रो नंबर 1 होगा, तब मुझे सिर्फ 5 कॉलम में ही स्टार को प्रिंट करवाना है। मैं इसे ऐसे लिख रहा हूँ, जे इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5, ताकि आपको जनरलाइज हो जाए, एंड जे इज लेस देन इक्वल्स टू 5। तो जी हमारे पास क्या एक जनरल सी टर्म बन गई है, जिससे आपको जनरलाइज करने में बहुत सी आसानी हो जाएगी। तो अब करूँगा क्या मैं, आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, जे इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5, एंड जे इज लेस देन इक्वल्स टू 5, जे इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4, एंड जे इज लेस देन इक्वल्स टू 6। तो मैं क्या लिखूँ इस 5, 6 की जगह, इन 5, 6, 7, 8, 9, 5, 4, 3, 2, 1 की जगह, कि मेरा जो है एक जनरल सा एक्सप्रेशन बन जाए और ऐसा पैटर्न प्रिंट हो। तो अब देखिए मैं करूँगा क्या, मैं सिंपली करूंगा क्या, अगर मैं यहां पे लिख दूं, थोड़ा सा इसे बड़ा कर लेते हैं, अगर मैं यहां पे लिखूं जे इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, यहां पे मैं क्या करूंगा, स्पेस छोड़ दूंगा, एंड जे इज लेस देन इक्वल्स टू, ठीक है, मैं यहाँ पे स्पेस छोड़ दिया। अब इस स्पेस में क्या भरूंगा मैं, कि मेरे पास पहले 5 आए, फिर 4 आए, फिर 3 आए, फिर 2 आए, फिर 1 आए। तो आप खुद ही सोचिए कि अगर मैं यहाँ पे मतलब 5 की जगह भरूँ 6 माइनस आई, तो क्या होगा, पहली लूप चलेगी 6 माइनस आई 5 है, फिर दूसरी लूप चलेगी 6 माइनस 2 4 होगा, फिर तीसरी लूप चलेगी 6 माइनस 3 होगा, फिर चौथी लूप चलेगी 6 माइनस 4 2 होगा, फिर पांचवी लूप चलेगी 6 माइनस 5 1 होगा। तो एज इट इज़ जे वाली वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, असाइन होती जाएंगी, ठीक है। उसके बाद जे इज़ ग्रेटर दैन इक्वल्स टू, तो मुझे करना है क्या, इसमें जे इज़ ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 6 माइनस आई भरना है, और जे इज़ लेस दैन इक्वल्स टू क्या करूँगा मैं,
अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 4 plus i, तो आप देख सकते हैं हुआ क्या। अगर मैं यहाँ पे 4 plus i लिख रहा हूँ तो पहली लूप चलेगी, उससे क्या होगा 4 plus 1 5 हो जाएगा, दूसरी लूप चलेगी 4 plus 2 6 हो जाएगा, फिर i की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी 4 plus 3 7 हो जाएगा। तो मुझे करना क्या, जनरली यहाँ पे j इज़ ग्रेटर देन 6 माइनस i पुट करना है और सॉरी एंड ऑपरेटर यूज़ करके j इज़ लेस देन इक्वल्स टू 4 plus i कर देना है। ये दोनों कंडीशंस जब ट्रू होंगी तब हमारे पास कुछ ऐसा पैटर्न प्रिंट होगा स्टार्स का। तो मैं करूँगा क्या, मुझे ऐसा पैटर्न प्रिंट करवाने के लिए सिर्फ ये वाली कंडीशंस जो हैं उसे मैं इसमें लिख दूंगा। बस आपको ये याद रखना है कि मुझे कुछ ऐसा मेरे पास क्या लॉजिक बना, उस लॉजिक को मैंने कैसे मतलब इंप्लीमेंट कैसे किया, 5 4 3 2 1 पैटर्न कैसे आएगा अगर मैं 6 minus i कर दूँ, और 5 6 7 8 9 पैटर्न कैसे आएगा अगर मैं 4 plus i कर दूँ। तो वैसे ही मैंने किया, j इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 6 minus i एंड j इज़ लेस दैन इक्वल टू 4 minus i। अब मैं इस चीज़ को जब क्या करूँगा, इफ में भरूँगा, क्योंकि मुझे कई जगह पे कुछ स्टार्स को प्रिंट करवाना है और कई जगह पे मुझे स्पेस को प्रिंट करवाना है। तो यहाँ पे मुझे स्टार्स को प्रिंट करवाना है, उसकी मैं कंडीशन क्या लिख दूंगा, इफ j इज ग्रेटर देन, मैं यहाँ पे लिखूंगा कि अगर j यानी कि कॉलम्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू हो 6 minus i, ठीक है, जो कि मैंने आपको अभी अभी इसका लॉजिक बताया, एंड j इज लेस देन इक्वल्स टू 4 plus i, ठीक है। अब ये इफ की कंडीशन अगर ट्रू होगी तो वहीं वहीं स्टार प्रिंट होगा जहाँ पे कंडीशन के अनुसार लिखा है, जहाँ जहाँ पे मैंने कंडीशन के अनुसार लिखा है वहाँ वहाँ पे स्टार प्रिंट होगा, एल्स स्पेस प्रिंट हो जाएगी, और स्पेस ही तो हमें चाहिए थी पिरामिड का पैटर्न बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने स्लैश एन का यूज़ इसलिए किया ताकि नई रो प्रिंट हो। तो अब हम इसे कंपाइल करके देखते हैं, सबसे पहले तो 0 एरर शो कर रहा है, टोटल एरर हमारे पास 0 है। तो मैं इसे रन करके देखता हूँ अब, तो देख सकते हैं आप अपनी स्क्रीन के ऊपर कि हमारे पास क्या है, पिरामिड का जो पैटर्न होता है वो एज इट इज़ प्रिंट हो चुका है। तो कैसे बनाया हमने आपको मैंने पूरी वीडियो में बता दिया है, तो एक बार आपको मैं इस लॉजिक को फिर से बता दूं। ये इतना इतना हमारे पास जो सेक्शन है ये तो बेसिक सा सेक्शन है, बस आपको कन्फ्यूज़न कहाँ पर आई होगी कि यहाँ पर कंडीशन कैसे भरी मैंने। तो मैं आपको बार बार बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे पास कुछ ऐसा लॉजिक बन रहा था, j इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 5 एंड j इज़ लेस दैन इक्वल टू 5, j इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 4 एंड j इज़ लेस दैन इक्वल टू 6। तो मुझे क्या करना था, अगर मैं इसमें से 6 minus i लिख दूँ तो एज इट इज़ सारा पैटर्न प्रिंट होगा, मैं इसे बार बार तो लिखूंगा नहीं, और अगर मैं 4 plus i कर दूँ तो एज इट इज़ सारा पैटर्न प्रिंट होगा, इसे भी बार बार लिखने की जरूरत नहीं होगी। तो मैंने बेसिकली किया क्या, j की 5 4 3 2 1 की लिख दिया मैंने 6 minus i, और 5 6 7 8 9 की जगह मैंने लिख दिया 4 plus i। तो ये जब मैं कंडीशंस को भरता हूँ उसमें, तो आप देख सकते हैं ये कंडीशंस ट्रू होने पर जहाँ जहाँ हम चाहते हैं वहाँ वहाँ पे स्टार प्रिंट हो रहा है। जैसे कि मैं यहाँ पे फिर से कंपाइल करके फिर से रन करने की कोशिश करूँगा, तो देखिए आप फिर से ऐसा ही पिरामिड का पैटर्न जो हमें चाहिए था वो प्रिंट हो गया। तो और जहाँ पे हम चाहते थे स्पेस प्रिंट हो वहाँ पे हमारे पास स्पेस प्रिंट हुई है, जहाँ जहाँ पे हमने स्टार प्रिंट करवाया वहाँ पे हमने कंडीशन के अकॉर्डिंगली स्टार को प्रिंट करवाया, और जहाँ जहाँ पे स्पेस प्रिंट हुई है वहाँ पर हमने कंडीशन के अन अकॉर्डिंगली ही वहाँ पे स्पेस को प्रिंट करवाया। मतलब जहाँ हम चाहते थे स्टार प्रिंट हो वहाँ हमने कंडीशन ही वैसी दी है, ऐसे ही मॉडिफाई करके दी है कि वहाँ वहाँ पे स्टार प्रिंट हो रहा है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको समझ में आया होगा कि हम कैसे ऐसे प्रिंट पैटर्न्स बना सकते हैं हमारी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आप पहले से इस चैनल पर हैं तो यार वीडियोज़ को शेयर कर दीजिए। हमारा एक ही मोटिव है कि हम जो लोग सीखना चाहते हैं मतलब जितना हो सके सीखें, मतलब हमारा पैसा कमाना जो मोटिव नहीं है, बस एक ही मोटिव है कि जितना हो सके नॉलेज को फैलाएं। इसलिए इस वीडियो को जितना हो सके यार शेयर कीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो में थोड़ी सी भी नॉलेज मिली तो यार इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और अगली वीडियो में मैं आपको हार्ट शेप कैसे हम ड्रा कर सकते हैं सी प्रोग्रामिंग में आउटपुट स्क्रीन के ऊपर वो भी बताऊंगा। तो बने रहिए हमारे पास, तब तक के लिए बाय बाय।